अलैकुम, वेलकम टू माय एनएस व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों का सालन, और इतना मज़ेदार सा ये सालन है कि आपको मज़ा आ जाएगा सर्दियों में। और सर्दियाँ भी बड़ी लशपश आई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो फिर क्यों ना ये रेसिपी हम ट्राई करें। तो आज मैं बना रही हूँ, और इंशाल्लाह फिर आप जो है मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, और फिर ट्राई कर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सालन का नाम है चिकन मेथी का सालन, और ये जो है इसकी ग्रेवी जो है वो भुनी भुनी सी रहती है। भुना सा सालन होता है, बड़े मज़ेदार लजीज, और सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का, क्योंकि अभी जो सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स आई हुई हैं वो बहुत अच्छी आई हुई हैं, ताज़ी। तो आप लोग ज़रूर बनाया करें और अपनी फैमिली को खिलाया करें सीज़न की वेजिटेबल्स। तो मेथी भी जो है इसी सीज़न की है, ग्रीन ग्रीन सी, और बड़ी जो है हरी मिर्चों का को भी मैं इसमें शामिल करूंगी, इसका भी टेस्ट जो है इसमें बड़ा अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मैंने जो है 300 ग्राम ले ली थी, उसको मैंने अच्छा सा साफ़ सुथरा करके वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। टमाटर जो है मैंने 4 बड़े बड़े लिए, और पानी बॉयल करके, जैसे ही पानी में बॉयल आया तो ये टमाटर मैंने 4 टुकड़े करके इसमें शामिल कर दिया। बॉयल आने के बाद मैंने फ़ौरन इसको छान लिया है। और मेथी को भी मैंने तकरीबन जो है 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसको मैंने अच्छे से इसके पत्ते वगैरह जो है वो तोड़ लिए, और डंडियाँ थोड़ी सी मैंने काट के शामिल करी हैं इसमें, और इसको अच्छा सा वॉश कर लिया, क्योंकि ये मेथी के अंदर जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग भी अच्छे से इसकी सफाई कर लीजिएगा, ताकि हमारे खाना बनने के बाद जो है मुंह में कोई किसकिसाहट ना आए। हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 5 ली हैं, बड़ी वाली जो आजकल आ रही हैं सीज़न में, तो वो मैंने 5 ले ली हैं, बीज से कट करके और मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, मगर मैंने इसके बीज निकाले नहीं हैं, इसी में शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लिया है, और 2 गट्टी बड़ी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। तो मसालों में जो है मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी ली है, सर्दियों में हल्दी भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, और इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। तो 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून जो है भरकर कुटी मिर्च, और 1/2 टेबलस्पून नमक लिया है, और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिसा धनिया लिया है, और 1/2 कप ऑयल लिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल कर दिए ऑयल में, और मीडियम फ्लेम किया हुआ है मैंने इसे। अब जब ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगी। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, देखिए कितनी प्यारी सी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन शामिल कर दिया है, अब थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसे भून लूँगी, ताकि अदरक लहसुन की कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जो है वो अच्छा सा भून गया है, 2 मिनट मैंने तकरीबन भून लिया है इसको। अब इसमें मैं चिकन शामिल करती हूँ। चिकन शामिल कर दिए, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी, और जब ये कलर चेंज हो जाएगा चिकन का तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ। चिकन को अच्छा सा मैंने भून लिया है, और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की और चिकन की। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, ये सारे टमाटर इसमें मैंने शामिल कर दिए, इसे भी मिक्स कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के मैं थोड़ा सा इसे पका लूँगी, ताकि टमाटर जो हैं बिल्कुल सारे जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं और हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, और अब मैं इसमें सारे मसाले जो थे, हल्दी, कुटी मिर्च, नमक और पिसा धनिया, ये शामिल कर रही हूँ, और ये शामिल कर दिया है मैंने, इसको भी अच्छा सा भून लूँगी मैं। इसको अच्छा सा तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट भूनूंगी, ताकि जो थोड़े टमाटर भुने नहीं हैं वो भी भुन जाए, और जो हमने मसाला डाला है वो भी अच्छा सा भुन जाए, कोई भी किसी भी मसाले का कच्चापन ना रहे। अच्छी सी भुनाई जो होगी तो फिर जो है टेस्ट और खुल कर आता है। मसाला देखें कितना अच्छा सा भुन गया है माशाल्लाह। अब मैं इसमें हरी मिर्चें जो हमने काटी थी बड़ी वाली वो शामिल, मिर्चें शामिल करके इसको भी मैं भून रही हूँ, जब तक इसका फ्लेवर नहीं आ जाएगा जब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें मेथी शामिल करूँगी। मेथी शामिल कर रही हूँ सारी, और मेथी शामिल करके इसको भी अच्छा सा मिक्स करके, और फिर जो मैं इसको तकरीबन 4 मिनट और पका लूँगी, फटाफट से जो है भुनाई में आ जाएगी। मेथी मैंने शामिल की और इसको ना मैंने मिक्स किया, तो देखें पानी मेथी ने
जो है वो छोड़ दिया है मैंने, ज़ाहिर है वॉश किया था तो उसमें भी थोड़ा पानी था, छन्नी में छान लिया था, उसके बावजूद जो है देखें मेथी के जो पत्ते होते हैं उसमें भी थोड़ा पानी होता है। अब जब इसमें शामिल किया तो थोड़ा पानी जो है मेथी का इसमें शामिल हो गया है, देखें थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है। इसको थोड़ा मैं भूनूंगी ताकि जो पानी है वो सारा मेथी का खुश्क हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन जो है हमारी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है, और अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जो है गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ, और इसके बाद जो है मैं इसे 2 मिनट के लिए दम पर लगा दूंगी, फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी चिकन मेथी की डिश तैयार है, बहुत मज़ेदार बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी। तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।